सभी को नमस्कार। मैं मुकेश कुमार। आज हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन आसान है, लेकिन पॉपुलेशन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि हमें पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए, जेलिंस्की, ट्रिवार्था और क्लार्क तीनों ही पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित भूगोलवेत्ता हैं। तो इसमें ट्रिवार्था महोदय को जनसंख्या भूगोल का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं, पुस्तकों के लेखक हैं और नीचे कूट दिया गया है, चुनाव करना है हमें। ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, प्रोल्यूग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में आ चुका है। इसमें दो पुस्तकें काफी बार पूछी जाती हैं। तो ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन काफी बार पूछा गया है। ये जीटी त्रिवार्था महोदय की है और प्रोल्यूग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी डब्लू जेलिंस्की की है, और पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ये डब्ल्यू टी एस गोल्ड की है। तो देखिए, इसमें सही आंसर होगा बै का, तो ये हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, असंगत युग्म का चुनाव करना है। विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में रहती है, ये बिल्कुल सही है। 50% जनसंख्या 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य रहती है, बिल्कुल सही है ये भी। और विश्व की 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पे रहती है, तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है, तीनों सही हैं। विश्व की 57% जनसंख्या स्थलीय क्षेत्र के 15% भाग पर रहती है, तो ये गलत है, ये केवल 5% भाग पर ही रहती है। ये युग्म नहीं है, गलत कथन का चुनाव करना था, तो इसमें ये डी है, ये गलत है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो इसमें देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में मोनेको, बांग्लादेश और हांगकांग तीनों ही अधिक घनत्व वाले देश हैं। तो इसमें सर्वाधिक घनत्व है वो मोनेको का है। मोनेको, मकाऊ, हांगकांग, सिंगापुर, ये देश हैं जिसमें सर्वाधिक घनत्व है। बड़े देशों में बांग्लादेश का स्थान आता है, इसमें मोनेको होगा। आगे चलते हैं, 1965 में पॉपुलेशन ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसमें देखिए, जीएल पीटर, जे आई क्लार्क और डब्ल्यू जेलिंस्की। तो 1965 में पॉपुलेशन ज्योग्राफी पुस्तक है वो जेलिंस्की महोदय ने लिखी थी। और माफी चाहूंगा, इसमें देखिए, ये जेलिंस्की ने जो पुस्तक लिखी थी वो अलग थी, और इसमें क्लार्क महोदय की पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उसकी बात हो रही है, तो सही आंसर होगा इसमें बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित देशों के समूह में कौन सा विकल्प जनसंख्या संक्रमण की संकल्पना का प्रतिनिधित्व करता है? इसमें चौथी अवस्था की बात हो रही है यहाँ पे। तो जनसंख्या संक्रमण का जो सिद्धांत है, थॉमसन और नोटेस्टीन महोदय ने प्रस्तुत किया था। इसमें सबसे पहले उन्होंने तीन संकल्पनाएं बताई, उसके बाद कॉलिन क्लार्क महोदय ने पांचवी संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो चौथी अवस्था, इसमें देखिए, फ्रांस, बेल्जियम और आइसलैंड ये पांचवी अवस्था में है, सिंगापुर, जर्मनी और डेनमार्क, इटली, चीन और घाना। तो इसमें देखिए, चीन है लगभग तीसरी अवस्था में ही है, चौथी अवस्था में पहुंचने वाला है, तो बी का ऑप्शन है, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड एकरमैन ने विश्व को कितने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया था? तो इसमें देखिए, एडवर्ड एकरमैन ने पांच प्रदेशों में बांटा था। इसमें संसाधनों की उपलब्धता, तकनीकी ज्ञान और जो जनसंख्या और संसाधनों में जो संबंध है, वितरण है, उसको आधार मानकर एडवर्ड एकरमैन ने पांच प्रदेश बताए थे। इसमें जैसे ब्राजील तुल्य है, यूएस तुल्य है और यूरोपियन तुल्य प्रदेश है, इस प्रकार से पांच भागों में बांटा था।
अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर है, उसमें लिखना है, सॉरी लिखना क्या है, इसमें से ढूंढना है। तो देखिए, इसमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया, तो तीन महाद्वीप हैं इसमें। तो यूरोप में कम जनसंख्या है, अफ्रीका में अधिक है और एशिया में सर्वाधिक है। तो ये तो हो गया आरोही क्रम, हो गया असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा देखिए, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, और ओशिनिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप। अगला क्वेश्चन, असंगत का चुनाव करें, सर्वाधिक जन घनत्व मोनेको में है, ये बिल्कुल सही है। न्यूनतम जन घनत्व ग्रीनलैंड, ये भी सही है। सर्वाधिक प्रजनन दर नाइजर में, ये भी सही है। और न्यूनतम महिला प्रतिशत कुवैत, इसमें होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। आगे चलते हैं, कायिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, आरपीसी के एग्जाम में भी आ चुका है, यूजीसी नेट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, आईएएस के जो प्री एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें देखिए, कुल जनसंख्या और कुल कृषि भूमि, कुल कृषक संख्या और कुल कृषि भूमि, इसको कृषि घनत्व कहते हैं, और कुल जनसंख्या, कुल संसाधन या आर्थिक घनत्व है। तो इसमें कुल जनसंख्या और कुल कृषि भूमि, ये आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, कथन दिया है, एशियाई जनसमूह की सभ्यता को चावल की सभ्यता भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, ये चावल की सभ्यता कहते हैं। एशिया में चीन विश्व का सर्वाधिक चावल उत्पादक देश है, ये भी सही है, लेकिन दोनों की व्याख्या नहीं हो रही है, कारण कथन। तो इसमें होगा, कथन व कारण दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करते। अगला क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, कुछ क्वेश्चन है, कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द और क्वेश्चन